Now, in the second reaction which I had given, sec butyl alcohol mein confirm do products banenge. Because kyun do products banenge students? Sir, because ek CH3 hai aur ek CH2 hai. Correct hai, do neighbors hai. Secondary. Hai na, do neighbors hai na. Ek hai CH3, yes, sir. Ek hai CH2. Ye dekho. CH3, CH, CH2, CH3, 4. पहली बार मैं इसका चोरी करूंगा, ये रोएगा, ये दोनों हंसेंगे. तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. पहले मैं CH3 से चोरी करता हूं, चलो H का, तो बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3. और सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CH2 डबल बॉन्ड CH3. ये मेजर माइनर, और दोनों बार H2 बनेगा, सो ट्वाइस ऑफ H2 भी बाहर निकाल दो सर. यस, रिएक्टेंट में भी ट्वाइस आएगा. एकदम करेक्ट. ठीक है, मेजर माइनर कौन बताएगा? मेजर कौन सा है इसमें स्टूडेंट्स? मेजर कौन सा है इसमें बताओ? तो हमेशा देखो, मेजर माइनर के लिए क्या करने का चेक करो. जब भी आपको दो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है. मैंने त्रुषा को क्या बोला? एक तो मैंने उसको एक पूरा बड़ा सा डब्बा दे दिया वनीला आइसक्रीम का, ठीक है, बड़ा सा डब्बा जंबो पैक दे दिया. और मैंने एक उसको दे दिया घर पे. हाँ लिख दे, लिख दे. वेरी गुड. हाँ मेरी बारी, मैं भी बनाऊंगा. मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हैं? मैंने त्रुषा को एक बड़ा सा डब्बा दिया वनीला आइसक्रीम का, और मैंने त्रुषा को एक बड़ा सा डब्बा दिया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. ठीक है, त्रुषा को मैंने बोला कि ठीक है एंजॉय खा. अभी त्रुषा क्या करेगी? त्रुषा श्योरली इन दोनों में से कोई तो एक फ्लेवर वो बहुत ज्यादा खाने वाली है ना. प्रेफरेबली शी विल गो फॉर द वन ऑफ द फ्लेवर्स, बट वो दूसरा फ्लेवर भी टेस्ट करेगी पर ज्यादा नहीं खाएगी. समझ में आ गया? टेस्ट तो करेगी ना. अभी अपन लड़की लोग का नहीं पता, लड़के लोग तो क्या करेंगे, दोनों ही खत्म कर देंगे. दोनों को नहीं छोड़ूंगा, दोनों खत्म कर देंगे. जनरल टेंडेंसी अपनी क्या होती है? अगर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं तो हम एक ऑप्शन को ज्यादा प्रिफर करते हैं, दूसरे वाले को अपन खाएंगे थोड़ा सा बट ज्यादा नहीं खाएंगे. करेक्ट. सो सिमिलरली यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा.
Yes, sir. So when I have two products, which one is major, which one is minor over here? मैं किसको prefer करूँगा? That is my question. So वो मैं कैसे करूँगा? Because ये alkenes हैं, तो the double bond वाले जो carbons हैं, उनको मैं box में डाल दूँगा. Double bond वाले जो carbon होते हैं, उनको अपन box में डाल देंगे. और हर कार्बन से कितना बॉन्ड निकल रहा है वो मैं चेक करूंगा. कितने हर डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे कितने कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कार्बन की टीम्स कितने अटैच्ड हैं. तो मुझे बताओ इस कार्बन पे कोई कार्बन की टीम अटैच्ड है क्या? इस कार्बन पे कोई कार्बन टीम अटैच्ड है क्या? नहीं. नहीं है. करेक्ट. नेक्स्ट, इस कार्बन पे कोई कार्बन की टीम अटैच्ड है क्या? ये वाला टीम अटैच्ड है. देखो ये वाला टीम अटैच्ड है. ओके तो ये एक ही, इसके पास एक ही टीम है. आप ऐसे नहीं गिनोगे तो कितने कार्बन है, ऐसे नहीं बोलने का कि वन एंड टू, टू कार्बन है इसके पास. रॉन्ग. आप बोलोगे एक टीम है बिकॉज यहाँ पे सुन एक ही बॉन्ड है यहाँ पे. करेक्ट. सो जितना बॉन्ड उतना टीम. क्लियर हो गया? ओके चलो आगे चलता हूँ. नेक्स्ट सेकेंड केस में आते हैं. इस कार्बन पे कितनी टीम है? एक टीम है. इस कार्बन पे कितनी टीम है? एक टीम है. टोटल कितनी टीम्स हो गई? दो. दो. समझ गया? टोटल दो टीम्स हो गई. तो जितनी ज्यादा टीम उतना मेजर कंपाउंड. ये है मेरा मेजर, ये है मेरा माइनर. ठीक है. सो एक मेजर एक माइनर. सर आप 60% एक्सपोज़र फॉर लिखना भूल गए. नहीं 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 60% and 40% अभी नहीं लिखना. ठीक है. बिकॉज किसी किसी केस में वो परसेंटेज वेरी करता है, इसलिए मेजर माइनर ही लिख. समझ में आ गया? सर इसमें वो एरो एरो पे नहीं लिखेंगे सर. एक मिनट एक मिनट, एक एक करके डाउट पूछो. सर एरो पे नहीं लिखेंगे. एरो पे ये देख. अरे एरो पे क्यों नहीं लिखेगा? एरो पे लिखेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना. तो सर वही तो पूछा. हाँ सर उसने वही पूछा कि इसमें से 70%. अच्छा मुझे 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 लगा वो ये पूछ रही कि ये 60% बनेगा ये 40% बनेगा. नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, एरो पे नहीं लिखेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा. समझ में आया? एरो पे लिखना है. आपके टेक्स्ट में मेजर माइनर तभी. हाँ पूछ पूछ पहले तू पूछ. सर ये मेजर माइनर तभी पॉसिबल है जब भी दो प्रोडक्ट होने हैं. एकदम करेक्ट. करेक्ट. अगर एक ही प्रोडक्ट है तो उसमें प्रेफरेंस कैसा, कौन ज्यादा कौन कम हो ही नहीं सकता ना. दो प्रोडक्ट्स में ही होता ना ऐसा इशू. समझा? क्लियर है? हाँ हेल्प कर दे हेल्प कर दे. ओके चलो एक और एग्जांपल लें. ये आपको नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स. हाँ पूछ पूछ. सर माइनर वाला था उसमें सर राइट हैंड साइड पे एक टीम थी तो सर उसमें कितने भी कार्बन होते तो भी एक ही टीम बनती. एकदम करेक्ट. दो कार्बन्स की एक टीम. मैं नंबर ऑफ टीम पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है सर. तो उसमें तीन कार्बन रहते तो भी एक ही टीम बनती ना. एक ही टीम बनता. सर एरो पे लिखना पड़ता है ना चाहे कुछ भी रहे. एरो पे लिखना ही पड़ेगा कुछ भी रहे. एरो पे नहीं लिखा तो रिएक्शन कैसे होगा, है ना? नो बैठ जाओ थोड़ा देर. चलो इसको नोट डाउन करो.
सर इसके नेमिंग्स दोनों के करने पड़ेंगे अलग अलग। हाँ नेमिंग दोनों का करना पड़ेगा ना, तो ऊपर से दोनों की नेमिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, दोनों प्लस नेमिंग हमको करनी पड़ेगी। पहले प्रोडक्ट का नाम आएगा अल्फा ब्यूटिलीन, दूसरे का नाम आएगा बीटा बीटा ब्यूटिलीन। आयु पैक पे आ जाओ, पहले का आयु पैक आएगा ब्यूटवानीन, दूसरे का आयु पैक आएगा ब्यूटोइन। खत्म। क्लियर? यस सर। ओके नाउ आई विल गिव यू एट लीस्ट 3-4 एग्जांपल्स, चारों तीनों चार एग्जांपल सॉल्व करो एंड देन एक एक करके डिस्कस करते हैं उनके प्रोसेस क्या है। ठीक है चलो। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3, CH2, CH3, यहाँ पे आ गया OH, next, CH2, CH, CH3, CH3, यहाँ आ गया OH, next, CH3, 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 यहाँ आ गया OH, fourth, CH3, CH, CH3, यहाँ पे आ गया CH2, CH2, these are your four products. ये four reactants हैं आपके। Temperature vary करेगा depending on the nature. You have to find out the products. If in case आपको लगता है दो products बनेंगे तो ही दो products बनाओ, major माने decide करो, जबरदस्ती सब में दो products आपको नहीं बनाना, सब में दो प्रोडक्ट्स नहीं बनने वाले हैं। ठीक है सर। हाँ पूछ। वो टर्शियरी का एरो पे क्या लिखते हो बताओ ना। टर्शियरी का एरो पे कितना पर कितना परसेंट है? 20% ऑफ H2SO4, 20% एंड 363 केल्विन एंड 363। ओके प्लेस योर हैंड वंस यू आर डन। और सब लोग कैमरा ऑन करो, सब कैमरा ऑन करो, रेज योर हैंड वंस यू आर डन, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन।
Raise your hand once you're done, students. ये सारे एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए थे अभी स्क्रीन पे आपको बताता हूँ, यू लेट मी नो आपका राइट या कि रॉन्ग है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, देयरफॉर 60% H2SO4, 373 केल्विन्स, पहले मैं चोरी करूंगा OH को, तो ये वाला कार्बन रोएगा, कौन सा कार्बन हंसेगा, ये वाला और ये वाला। But if you realize both are identical, दोनों same है, कोई tension की बात नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक product बनेगा, only one product, समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, because दोनों CH2 same. Next वाले case में क्या होगा? OH चुरा लो, ये वाला carbon रोएगा, ये वाला कार्बन हंसेगा, एक ही जन हंस रहे हैं, अगर एक ही जन हंस रहे तो मुझे टेंशन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, करेक्ट है। तो फर्स्ट केस में मैं प्रोडक्ट बना के दिखा दूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में अपना ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, चेक करो आपका भी ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए पहला वाला, एंड सेकेंड वाले केस में क्या बनेगा बना के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सी एच हट जाएगा या आ जाएगा डबल, ठीक है। थर्ड वाले कंपाउंड में अगेन OH का चोरी करवा दो, OH का चोरी हो गया तो कौन सा कार्बन रोया, ये वाला कार्बन रोया, कौन सा कार्बन हंसा, तीन जन हंसेंगे बट तीनों सेम है, तो किसी एक से आप चोरी करवाओ, करेक्ट, किसी एक से ही चोरी होगी, तीनों सेम है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला स्टूडेंट्स, चेक करो एक बार, CH2 आ गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, दिस इज माय प्रोडक्ट, ओके, दिस इज माय प्रोडक्ट। सर एक ही बनेगा ना, एक ही बनेगा, यस सर। अब बोल, अगर मतलब एक ही प्रोडक्ट बना लेकिन अगर उसका नेचर थ्री है तो कौन सा वाला लिखेंगे एरो पे? क्या 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 समझा नहीं मैं, मतलब सर अभी ये वाला आपने दे दिया ना थर्ड वाला, उसमें
उसका नेचर थ्री है, टर्शियरी है तो मैं, हाँ तो टर्शियरी है तो मैं 20% यूज करूंगा ना, 20% यूज किया तो लेकिन बन प्रोडक्ट एक ही रहा है, करेक्ट है, तो मेरे को फर्स्ट प्राइमरी का लिखना पड़ेगा कि टर्शियरी का, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, टर्शियरी था तो 20% ही लिखेगा ना, 20% लिखा मतलब दो, सर वहां पे एक ही है तो इसके वजह से कम बन जाए वो, ऐसी बात नहीं, नहीं 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 नहीं, अगर टर्शियरी है तो जरूरी है कि दो दो ही प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। सो यार अभी आते हैं फोर्थ वाले में स्टूडेंट्स, पोएट्स को चोरी कर लो, ये वाला रोएगा, ये वाला हंसेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, जो हंस रहा है वहां से एच निकाल लो, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, करेक्ट है, ये देखो all four cases only one product, all four cases only one product students, only one product, understood? किस किस के सारे राइट गए, raise your hand, किस किस के सारे राइट गए, raise your hand, कैमरा बार बार ऑफ क्यों कर रहे हो, तो जल्दी से raise your hand students, किस किस के सारे राइट गए, अक्षत मोनार, वेरी गुड मोनार, दैट्स इट, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट से अब तक हमने जितने भी मेथड्स किए हैं, हमने दो तीन मेथड कर ली, लास्ट लेक्चर में एक किया था, हाँ बोल, नेमिंग बताओ ना सकता, क्योंकि कुछ कुछ का मेरा नेमिंग नहीं आ रहा है, नेमिंग करते हैं, ठीक है, रोड पर। सो पहले केस में नेमिंग आएगा बीटा पेंटिलीन, ठीक है, पहले केस में नेम आएगा बीटा पेंटिलीन, कॉमन नेम पहले बता रहा हूँ सबका, बीटा पेंटिलीन आएगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का आएगा आइसोबुटिलीन, थर्ड वाले का भी आएगा आइसोबुटिलीन, फोर्थ वाले का आएगा प्रोपिलीन, ये चारों नेमिंग मैंने किया था। सर मुझे लास्ट लेक्चर से डाउट है, एक मिनट रुक जा, चलो कॉमन नेमिंग हो गया, आई पैक करते हैं, आई पैक फर्स्ट वाले का आएगा पेंट टू इन, सेकंड वाले का आएगा टू मिथाइल प्रोपीन, थर्ड वाले का भी आएगा टू मिथाइल प्रोपीन, फोर्थ वाले का आएगा प्रोपीन, सर हाँ बोल, सर कॉमन नेम, सर कॉमन नेमिंग में आपने सेकंड और थर्ड में आइसोब्यूटेलिन बोला, तो सर आइसो अल्फा आएगा ना, नहीं अल्फा जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डबल बॉन्ड पहले कार्बन भी आ रहा है, जहां भी रहे पहले कार्बन भी आए, चेक कर, ओके है ना, यस सर, चलो अभी काम करेंगे, आपको जो मैंने लास्ट समय करवाया था वो आप मेथड रिवाइज करोगे, और आज जो दो मेथड करवाए वो रिवाइज करोगे, और अब मैं जो आपको नाम दूंगा, जो भी नेम दूंगा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको वो सारे अल्कीन बनाने हैं तीनों मेथड्स, समझ में आया, सपोज अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आप मुझे बना के दिखाओ इथीन, इथीन बना के दिखाओ, तो आप पहला मेथड क्या लोगे, फर्स्ट मेथड में आप स्टार्ट करोगे बाय सी एच थ्री सी एच टू बी आर, देन आप लेगो के ओ एच अल्कोहलिक, क्या आ रहा है, बन जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ऐसा कुछ। सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, क्विसनल डाइहैलाइड से सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल सी एल, आप अपनी मर्जी से ले लो, बी आर बी आर ले लो, आपकी मर्जी चलेगी यहाँ पे, देन आप लोगे जिंक, जिंक के साथ आप ठीक करोगे, मिल जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस जेड एन सी एल, समझ में आ रहा है, हाँ बोल बोल, हम लोग को बी आर आए और सीएल तीनों से करना है किसी भी की अपनी मर्जी के, कोई भी है कोई भी चले, बट दोनों सेम होना चाहिए, एक कंपाउंड में सीएल सीएल ही रखना, एक सीएल एक बीआर, ऐसे मत ले लेना, बीआर या तुम बीआर सीएल या तुम सीएल, ठीक है। थर्ड रिएक्टेंट क्या लोगे स्टूडेंट्स, थर्ड रिएक्टेंट अल्कोहल लेंगे, जो भी अपन ने किया CH3CH2 OH, primary alcohol is 75%, then 413 kelvins, CH2 double bond, CH2. Yes.
तो मैं जो भी अल्किन के नाम दूंगा आपको उनको तीनों मेथड से बनाना है. क्लियर है क्या करना है आपको? क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. बस तो पहले आप बनाओगे इथीन. मैं आपको नेम ही दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूँ जान बुझ. ठीक है. नेक्स्ट आपको बनाना है प्रोटीन. सिंपल सिंपल पहले बनाना है. ठीक है. देन आपको बनाना है चलो ये वाला ले लो आइसोब्यूटिलीन. नेक्स्ट फोर्थ वाला ले लो ब्यूट टू इन. फिफ्थ वाला ले लो पेंट टू इन. ये पांच बनाना स्टार्ट. और तृषा तू अपना डाउट पूछ. बाकी लोग स्टार्ट करो. पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका एंड देन स्टार्ट करो. तृषा अपना डाउट पूछ. वैंडरवॉल्स फोर्स क्या होता है वापस बताओ ना. वैंडरवॉल्स फोर्स होता है फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं कार्बन कार्बन चेन के बीच में. और पोलैरिटी का क्या मतलब रिलेशन है उससे? पोलैरिटी का उससे कोई रिलेशन नहीं है. वैन डर वाल्स फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू कार्बन कार्बन चेन. पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी कैसे कंपेयर करेंगे वो डिफरेंट है. मतलब अपन ऐसे सुने कि अल्केन्स आर नॉन पोलर. तो नॉन पोलर है तो कौन से फोर्सेस होते हैं उनके बीच में, ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो साथ में रहते हैं. तो मैंने बोला कि वैन डर वाल्स फोर्स है ना वो उनको साथ में रखता है. समझा? Start with these. समझा सर. Five structures quickly and raise your hand once you are done. ठीक है आराम से बैठो मत, थोड़ा हाथ ऊपर करो. होने के बाद जैसे तीन चार जन का हो जाएगा we will start discussing. सर ये homework नहीं है? नहीं है अभी lecture खत्म नहीं हुआ था. कितना देर बाकी है? 4 minutes. Just 4 minutes तो बाकी है. बस 4 मिनट नहीं है. 4 मिनट. 4 मिनट में 4 रिएक्शन होते हैं. चलो जल्दी सॉल्व करो. रेज योर हैंड वंस यू आर डन स्टूडेंट्स. आई एम वेटिंग फॉर यू.